जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सभी का। देखिए आज हम बात करेंगे कि जो नॉर्मलाइजेशन है पटवारी एग्जाम के अंदर क्या वो होगा, आंसर की जो हो ऑफिशियल कब तक आएगी, रिजल्ट जो हो कब तक आ सकता है। देखिए एक चीज मैं आपको और बताऊंगा कि इसमें जो हो जो मेरिट रहेगी उससे 10 से 15 नंबर कम वालों का भी सिलेक्शन हो सकता है, यानी 85% वालों का भी सिलेक्शन हो सकता है। वो किस कारण से हो सकता है वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। देखिए मैं आपको बता दूं कि हम जल्द ही इंडिया जी के साइंस के जो एमसीक्यू के क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, जैसे कि रेलवे में, एसएससी में और स्टेट लेवल के एग्जाम में, उनकी वीडियो भी हम जल्दी लेकर आएंगे। डेली हम वीडियो लेकर आएंगे, लाइव क्लास आपके लिए लगेगी। तो आप अगर इनकी वीडियो चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए हम रेलवे के लिए, एसएससी के लिए और स्टेट एग्जाम अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये जो वीडियोस है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन की। तो देखिए जैसा कि बोर्ड के अध्यक्ष ने बोला था कि अगर जरूरत हुई तो हम एक कमेटी जो हो गठित करेंगे, वो कमेटी ही निर्धारित करेगी कि जो नॉर्मलाइजेशन है वो होगा या फिर नहीं होगा। देखिए सबसे पहले रिजल्ट तैयार होगा और जो एग्जाम का लेवल है वो लगभग लगभग एक जैसा रहा है, इस कारण जो हो नॉर्मलाइजेशन होने के जो चांसेस है वो बहुत ही कम है। अगर बाय चांस नॉर्मलाइजेशन होता भी है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, कम से कम 2 से 3 नंबर, ठीक है, 2 से 3 नंबर का ही फर्क पड़ेगा, क्वेश्चन का फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ज्यादा इसके अंदर फर्क नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो अब देखिए आंसर की जो हो ऑफिशियल आंसर की कब तक आएगी। देखिए जब भी कोई एग्जाम होता है तो एग्जाम होने के 15 दिन बाद में जो हो आंसर की ऑफिशियल कभी भी आ सकती है। तो अभी अगर हम बात करें तो 15 नवंबर के लगभग जो हो इसकी आंसर की आ सकती है, यानी 15 नवंबर के बाद में कभी भी जो हो बोर्ड इसकी आंसर की जारी कर सकता है। बाकी बोर्ड ने स्पष्ट आदेश दिया था, बोर्ड अध्यक्ष ने, कि ये जो एग्जाम है वो जल्दी से जल्दी क्लियर करवाएंगे, यानी इसका रिजल्ट जो हो जल्दी से जल्दी निकालेंगे। अब बात कर लेते हैं रिजल्ट की। तो देखिए सबसे पहले ऑफिशियल आंसर की आती है, उसके बाद में जो हो उस पर जो हो आपत्तियां मांगी जाती है, यानी लगभग जो हो 1 महीना इसके बीच में लग जाता है रिजल्ट के कम से कम, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो जो 9 दिसंबर है, दिसंबर के लास्ट के अंदर जो हो इसका रिजल्ट जो हो आ सकता है, ठीक है, फाइनल अभी नहीं कहा जा सकता, रिजल्ट जो हो दिसंबर के लास्ट में आने के पूरे चांसेस हैं अगर ये प्रोसेस जल्दी होती है तो, ठीक है, अगर लेट होती है तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अभी हम बात करेंगे कि क्या 85 वालों का जो हो, यानी जिन्होंने 85% सही किए हैं उनका सिलेक्शन हो सकता है क्या। देखिए मैंने आपको पहले ही बोला था जो मेरिट है वो लगभग कम से कम 95 रहेगी, 95 से कम नहीं रहेगी, यानी 95% वालों का सिलेक्शन हो सकता है, इससे कम वालों का नहीं होगा। लेकिन फिर भी बहुत से कमेंट आ रहे हैं मेरे पास। तो देखिए मैं आपको बता दूं इसके अंदर टोटल जो हो 15 लाख फॉर्म भरे गए थे, इसमें से 10 लाख ने ही एग्जाम दिया था, ठीक है, 10 लाख कैंडिडेट ने ही एग्जाम दिया था। अब मैं आपको बता दूं कि इस एग्जाम के अंदर 90% जो बच्चे हैं, यानी 10 लाख में से 9 लाख जो बच्चे हैं वो रीट वाले हैं, ठीक है, रीट एग्जाम वाले ही बच्चे बैठे थे इसके अंदर, ठीक है, रिट एग्जाम जिन्होंने दिया था वही बच्चे जो हो पटवारी एग्जाम के अंदर लगभग बैठे थे। अब बात कर लेते हैं पोस्टें कितनी हैं, इसके अंदर 5300 पोस्टें हैं और रिट के अंदर देखिए कितनी पोस्टें हैं, लगभग 31,000 के, ठीक है। तो देखिए अगर इस 5300 पोस्टों में से 2 से 2500 पोस्टें, क्योंकि देखिए जिनको जिन्होंने एसएसटी से एग्जाम दिया था उनके लिए ये पेपर आसान था, क्योंकि मैथ और रीजनिंग जो हो ज़्यादा हार्ड नहीं आई थी। तो देखिए अगर हम औसत देखें तो 2 से 2500 अगर पोस्टें रीट वाले ले जाते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा संख्या है उनकी, तो देखिए अगर पहले इसकी ज्वाइनिंग आ जाती है पटवार की तो इसमें जो हो पटवारी के अभ्यर्थियों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और अगर जो रीट की जो ज्वाइनिंग है वो पहले आती है, यानी 31,000 पदों पर रीट की पहले ज्वाइनिंग दी जाती है पटवार से, तो इसमें से लगभग 1500 से 2000 पोस्टें जो हो फिर से कम हो जाएगी, यानी जो हो यहाँ पे खाली हो जाएगी और जो कट ऑफ है वो कम होने के आसार है, ठीक है। तो इसी आधार पे मैंने बोला है कि जो कट ऑफ है वो और भी कम जा सकती है अगर रीट एग्जाम के अभ्यर्थियों को पहले ज्वाइनिंग दी जाती है। अगर पहले ज्वाइनिंग दी जाएगी तो जो हो वो इसकी कट ऑफ और डाउन आ सकती है, क्योंकि ज्यादातर अभ्यर्थी पटवार एग्जाम के अंदर रीट वाले ही बैठे हैं, ठीक है। अब देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, जब भी ऑफिशियल आंसर की आएगी तो आपके जो नंबर है वो 2 से 3 जरूर बढ़ेंगे, कम से कम 2 नंबर जरूर बढ़ेंगे सभी के,
ठीक है, इसका कारण क्या है कि जो कोचिंग सेंटर वालों ने जो आंसर की डाली है, बड़े बड़े जो कोचिंग सेंटर है उन्होंने जो हो काफ़ी सारी गलतियां की है, मिस्टेक की है, कम से कम दो क्वेश्चन जो हो सभी के जरूर बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसमें दो से तीन क्वेश्चन जो हो वो आपके जरूर बढ़ जाएंगे। अगर आपके 88 बन रहे हैं तो 90 से 91 क्वेश्चन जो हो आपके हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बता दूँ, जब भी ऑफिशियल आंसर की आती है तो ध्यान रखिएगा जो बोल रहे हैं एग्जाम बहुत ही आसान था, मेरिट बहुत हाई जाएगी, तो उन्हें मैं बता दूँ कि जब भी 1/3 वाला जो कैंची जो शुरू होती है ना, ये 1/3 वाली जो कैंची शुरू होती है तो बहुत ही जल्दी डाउन आता है स्कोर। ठीक है, जब भी ऑफिशियल आंसर की आएगी तो वहां पे जो हो कंफर्म हो जाएगा कि आपके जो हो इतने ही बन रहे हैं, इससे कम या ज्यादा नहीं बन रहे हैं, जो हवा मार रहे हैं उनका भी पता चल जाएगा। बाकी जो हो बहुत से बच्चे अच्छा भी पेपर करके हैं, किसी का 120 125 के लगभग भी बन रहे हैं बहुत से बच्चों के। ठीक है, लेकिन ये नहीं कि मेरिट जो हो बहुत हाई जाएगी, ऐसा नहीं है। तो जैसा भी जो भी डिटेल थी वो मैंने आपके सामने रख दी है, फिर भी आपका कोई डाउट रह गया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि हम इंडिया जीके और साइंस के जो एमसीक्यू के जो क्वेश्चन है वो जल्द ही लेकर आ रहे हैं, जो कि बार बार पूछे गए हैं विगत वर्ष के एग्जाम में, जो कि रेलवे, एसएससी और स्टेट लेवल का जो एग्जाम है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।